उनको कहा है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं इन हवाओं में, इन पहाड़ों में, इन फ़ाओं में, सुहाना अल्लाह ग्रीनरी में आने का मौका मिले या ना मिले। तो मैं इसको अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो ये बच्ची जो है ना, मुझसे पूछने के लिए आए कि आप व्लॉग बनाती हो, आपका नाम क्या है? हरीम। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग। हाँ, लेकिन मेरी ये वीडियो 4-5 दिन बाद आएगी। ठीक है। यार क्यों मुझसे आज चीजें गिर रही हैं? देखो, 3 बार ये गिर गया, ये भी गिर गया। आज अब्बू मुझे याद कर रहे हैं, अब्बू मुझे कह रहे थे तस्वीरें वगैरह भेजो, वीडियो भेजो, कैसे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से मिलके जाएंगे और देखेंगे फिर क्या होता है, डर लगता है या नहीं। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा इस बार जो है ना, अच्छी एक्सप्लोर करके घूम फिर के फिर घर जाते हैं। हमारे बैठने की जगह है नहीं, और ये कह रहे सुफियान के लिए ना वाइट बुर्का लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग, और आज का हमारा जो व्लॉग है वो पतराटा की तरफ कंटिन्यू है। कल का व्लॉग मैंने मिड में ही एंड कर दिया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं वहाँ पे जो है ना, चेयर लिफ्ट पे बैठने का ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं कि डर लगेगा या नहीं, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से मैंने सुना है कि वो एक चेन से जो है ना पूरा डब्बा लेके जाते हैं। तो डर तो लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अली के साथ साथ जो है ना मैं भी थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि वो जो बॉक्स होते हैं वो चलते हुए आते हैं, और चलते हुए बॉक्स पे ही आपको बैठना पड़ता है, वो लोग रोकते नहीं। बाकी सब छोड़े, आप एक बात तो बताएं, अली ने क्या कहा आपसे? अली क्या कहा आपने मामू को? मैंने बोला बाकी बात बाकी बातों में मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। जब आप मूसा को डांटते हैं ना, तब मैं आपके खिलाफ हो जाता हूँ। फुल टाइम खिलाफ। हाँ। मूसा को नहीं डांटना। इमरान भाई, ये कौन सी जगह? कैंट एरिया। अच्छा, तो ये कैंट एरिया, यहाँ पे देखें, ये क्या कहते हैं इसको, फोकस त्यारा कहते क्या? यहाँ पे फौजी भाई भी बैठे। इमरान भाई, फिर से रात की तरह आपकी एक क्लास लगवाएं। चलो छोड़ दे, आप कुछ नहीं कहते। भेजा आपने पेज ले, हम ना समझे तू सांझिया। तो माशाल्लाह ये देखे, इन्होंने जो है ना शॉल्स का स्टॉल लगाया यहाँ पे, और कितने खूबसूरत डिजाइन है। और ये चुनी वाली शॉल भी रखी है, और शॉल नहीं चादर है, सॉरी मैं चादरें पहनती नहीं। और इधर इस साइड पे जो है ना सारे दुपट्टे हैं वेलवेट के, अगर किसी ने वेलवेट की शॉल स्टॉलर लेने हो तो। तो माशाल्लाह से अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट के लिए, और यहाँ पे ये लड़का जो है ना अंजीर बेच रहा है। ये वाला दे दो एक। तो ये इनसे बाय करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा चेयर लिफ्ट का जो है ना कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, बाकी सब जो है ना वो गए हुए हैं गाड़ी तक। गाड़ी से जो है ना जैसे आएंगे तो हम लोग यहाँ से मिलके जाएंगे, और देखेंगे फिर क्या होता है, डर लगता है या नहीं। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा इस बार जो है ना अच्छी एक्सप्लोर करके घूम फिर के फिर घर जाते हैं। तो ये बच्ची जो है ना, मुझसे पूछने के लिए आए कि आप व्लॉग बनाती हो, आपका नाम क्या है? हरीम। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग। हाँ, लेकिन मेरी ये वीडियो 4-5 दिन बाद आएगी। ठीक है, मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग। तो ये बच्चे जो है ना जाते जाते एक्साइटेड होके पीछे आई है पूछने के लिए। ये अच्छा मजाक है, पता नहीं ये लोग मुझे छोड़ के चले कहाँ गए। कब से कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, और कोई आ नहीं रहा। पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे, और दूर तक दूर तक मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ रह गए ये सब। आओ सीधा आ गई। सेम टू सेम वो देखते आराम से। तो इधर से जो है ना हम लोग भाई वालों से कटे हुए फ्रूट ले रहे हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने फ्रेश फ्रूट रखे हुए हैं, और वो भी पत्तों में सजा के।
तो हमने कहा है कि भाई हमें काट के दें, तो ये हमें कटिंग करके दे रहे हैं। हमारा चेयर लिफ्ट का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं पता नहीं कुछ काम चल रहा है। तो वो जैसे ही फ्रूट ले रहे हैं, मैंने उनको कहा है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं इन हवाओं में, इन पहाड़ों में, इन फ़ाओं में, सुहाना ग्रीनरी में आने का मौका मिले या ना मिले, तो मैं इसको अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। और ये सामने देखें, इन्होंने इतने खूबसूरत से छाते वगैरह लगा के रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। ये देखें, ये फ्रूट लेके आ भी गए हैं। तो सीन असल में ये हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचे, पीछे इमरान भाई वालों ने बैठ के बजट का हिसाब लगाया, तो हमारा बजट ओवर हो चुका था, जिसकी वजह से इमरान भाई वालों ने कहा कि बस चलते हैं, हमारा बजट ख़त्म हो गया है। और चेयर लिफ्ट का शायद कोई 1500 ऐसे कुछ था या 2000 था। तो मुझे गुस्सा आया हुआ था कि बस आप मुझे बैठने देते, फिर देखिए कि इमरान भाई ने मुझे मनाया कैसे। यहाँ पे जो है ना, मैं इमरान भाई की हिम्मत और कॉन्फिडेंट को जो है ना सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बीच सड़क में अपनी गाड़ी से उतर के जो है ना डांस किया है। आगे पीछे बहुत सारे लोग थे जो रुक के उनको देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल इग्नोर करके ना फुल अपना इंजॉय किया है। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही थी, मेरे कॉमेंट्स में एक दो सिस्टर ने कहा कि आप हंसे नहीं ज़्यादा, ये ना करें वो ना करें। तो लाइफ का मज़ा यही होता है कि आप इंजॉय करें फ्रीडम को, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। और ये टाइम फिर नहीं आता घर में इंसान चलो ये कर लो वो कर लो, ये ना करो वो ना करो, सारी ज़िंदगी इन्हीं रूल्स में गुजार देता है। तो कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जब बंदा जो है ना वो स्पेस, अपना फ्री स्पेस महसूस करे। सारे बंदर ही बंदर हैं, झूले खा रहे हैं वो उधर खंभे पे, देखो छोटे छोटे खंभे पे कैसे लटके हुए हैं। यहाँ की हमने मछली भी खाई थी। तो इधर हमने लिया एक ब्रेक, हम यहाँ पे खाएंगे छली और इधर का मौसम इंजॉय करेंगे, और उसके बाद जाएंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, बस जितना घूमने फिरने को मिल रहा है उतना घूम फिर लेंगे और क्या। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारा सा सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे चाय और समोसे पकौड़े पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। ये मुझे लगता है कचौरी है कुछ, भाई ये समोसे हैं ये कचौरी है, वो गोल वाली, वो अच्छा आलू वाली टिक्की है। सही सही सही। फ्राइज कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए की प्लेट। ये हमारे पास चिकन पटाखा है, ये चिकन पटाखा इसका रोस्ट बना के देते हैं। चिकन पटाखा, इसको चिकन पटाखा बोलते हैं, इसका रोस्ट लोग बना के फिर तंदूर में इसको करते हैं। अच्छा सही। आपके लिए फ्राइज ले रही हूँ, ठीक है चलो आज इधर बैठ जाओ। ये देखिए इधर भी बंदर गए हैं, ये नीचे आ रहे हैं, और एक उधर ऊपर बैठा हुआ है वो भी आ रहा है नीचे। क्या किया इसने, छुपा क्या? ये आ गया ना, फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। कब से कह रहे हो आजो आजो, बस ये तस्वीर में आ रहा, घर चल के देख रहे ना। तो ये अली जो है ना भुट्टे बनवा के ले आया है, और मसाला तो लगाया नहीं सच में, और लगाया ही नहीं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमारे फ्राइज बनाए भी हैं कि नहीं बनाए,
भाई फ्राइज बन गए, साफ बनाइएगा और क्रिस्पी हो, पकोड़े भी गरम गरम हो, और पकोड़े भी कर दीजिए एक प्लेट और मसाला ठीक हो और ताज़े बनाइएगा, ये बने हुए जो पड़े ये ना हो जी। जो चीज़ अच्छी ना लगी वापस कर देना। चलें तो इधर हमने जो है ना पकोड़ों का भी ऑर्डर दे दिया, वहाँ चल के बैठते हैं जाके हम जी। आप ऑनर हैं? चलें चलें ठीक है, थैंक यू। तो ये अंकल हमें बता रहे थे कि आप इधर ना बैठे, यहाँ पे जो इनके बच्चे हैं ना छलांग लगा देते एकदम से, और इतने में जो है ना पीछे आके उसने छलांग लगा भी दी, सारे डर के भाग गए, सबके मोबाइल इधर पड़े हुए और सब डर के भाग गए। कहाँ बैठे हैं फिर? उधर उस साइड पे, इधर। तो इन भाई को मैंने बोला है कि हमें फ्रेश ही बना के दें, तो अभी देखें कि फ्रेश बना रहे हैं कि नहीं। भाई लेमन है, थैंक यू, ये लो। चलो अली की फरमाइश पूरी हो गई, मसाला आ गया। नहीं है लेमन, हमसे ज्यादा इंजॉय तो बच्चे कर रहे हैं। वो कह रही इधर बैठो, वो भाग गया। ये कह रही इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ईसा, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या हुआ, बना रहे हैं? ये देखिए इधर से ऐसे आते ही रहते, इनको डर ही नहीं लगता। ये भागा ना इनके पीछे, फिर जीप मार के भागेंगे सारे। हाँ तो ये भाई आ गए और लेने के लिए। तो चले ये आ गए हमारे फ्राइज, और इन्होंने तो जबरदस्त से कट करके रखे हुए हैं। यार क्यों मुझसे आज चीजें गिर रही हैं, देखो तीन बार ये गिर गया, ये भी गिर गया आज। अब मुझे याद कर रहे हैं, अब मुझे कह रहे थे तस्वीरें वगैरह भेजो, वीडियो भेजो, कैसे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। तो मुझे लगता है मुझे अबू ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए बार बार मेरी चिप्स गिर रही है। और एक बुट्टा भी नीचे गिर गया है, कहाँ गया, बाद में उसकी वीडियो बनाऊँगी मैं। और ये आ गए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। तो ये गिर गया मेरा, ये देखें ये पड़ा है मेरा गिरा हुआ बुट्टा, ये देखें फिर आ गया। तो भाई इसको भगा रहे हैं। क्या बोल रहे थे मुसा बाबा? बाबा कहे मुसा? चलो इमरान भाई चिप्स ये खाओ, चिप्स और बंदों की जगह है नहीं। और मेरा बेटा क्या कर रहा है? देख लिया देख लिया, बस मेरी चाय ना गिरा देना एक्साइटमेंट में। अली मेरी बात सुनो, तुम क्या कह रहे थे? हाँ मेरी बात सुनो, हमारे बैठने की जगह है नहीं, और ये कह रहे सुफियान के लिए ना वाइट बुर्का लेके जाना। जहाँ से भी हैवल गुजर रही थी अली बस उनको देख रहा था। अब इनका ड्रीम है, कहते हैं नेक्स्ट हम अपनी हैवल कार पे आएंगे, तो देखते हैं पता नहीं कभी हमारा ड्रीम पूरा